मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए 1, 2, 3, 6, 7 मार्च का समय शुभ गणनाओं में माना जाएगा, शुभ तारीख रहेंगी। अब हम बात करते हैं मास आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है। मास आरंभ में चंद्रमा मिथुन राशि के होकर लग्न भाव में स्थित है, केतु तुला राशि के पंचम भाव में है, सूर्य बुध शनि कुंभ राशि में होकर नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है उसमें विराजमान है, बृहस्पति शुक्र मीन राशि के होकर दशम भाव में है, राहु मेष राशि के होकर 11वें भाव में चलायमान है, मंगल वृषभ राशि के 12वें भाव में चलायमान है। हम बात करते हैं मास की शुरुआत की, तो यह प्रथम सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा। 1, 2, 3 को चंद्रमा का परिभ्रमण मिथुन राशि में होने से आपके सारे मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे। जो कार्य आपके पहले समय से अटके हुए हैं, काफी पुराने समय से अटके हुए हैं, वो कार्य पूर्ण होंगे। इस समय आप में जोश एवं उत्साह भरपूर रहेगा, भरपूर दिखेगा। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति। आप संयम बरतकर अपने विरोधियों पर विजय पाने में सक्षम हैं। आप अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर पाए। 4 और 5 तारीख का जो समय रहेगा वो मानसिक सुख शांति का रहेगा, मानसिक सुख शांति का अनुभव करेंगे। आप कोई लेख या कलाकृति लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे लोग मुक्त कंठ से आपको सराहेंगे, आपकी अत्यधिक तारीफ होने की संभावना है। आपके द्वारा बनाई का किया गया काम करेंगे, लोगों के लिए भरा काम करेंगे, नेकी कर दरिया में डालवानी स्थिति बनेगी। घर की कोई गृहिणी आर्थिक मसले को लेकर ठोस कदम उठाएगी जो कि लाभदायक, वह अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। 6 और 7 को समय आनंद पूर्वक व्यतीत रहेगा, लाभदायक सौदे होंगे, आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्यों को देखकर प्रसन्न होंगे, आपकी प्रसन्नता होगी। आप अगर ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और पूर्णमासी का व्रत करते हैं आपके लिए अत्यधिक लाभकारी।